सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। पहले ये बताओ सब कैसे हो। अभी हम देखो नया गाड़ी, नया चेहरा सब आपको आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। ये हमारे ज्योतिष मामा, ये है प्रिंस भाई, अभी जस्ट शादी हुआ है। और इनसे पूछते हैं शादी का कैसा मजा है, बताइए जरा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अभी कल मामा का शादी होने वाला है इसलिए हम पटना से आए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, दो बालक है हमारे, तो उन्हीं को हॉस्टल से लाने। तो आप लोग पूरा ब्लॉग को लास्ट तक देखना, इस वाले ब्लॉग में बहुत ज्यादा तगड़ा मजा आने वाला है। चलो वहाँ हॉस्टल जाते हैं, दोनों बालक को साथ लेते हैं और घर लेके आते हैं। और भी रास्ते में बहुत सारा काम है, कुछ शॉपिंग भी करना है, शायद कपड़ा उपड़ा भी लेना है ना ज्योतिष मामा, कपड़ा लेना है और भी कुछ लेना है। तो आप लोग बस ब्लॉग को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आ चुके हैं, ये है स्कूल, दो बालक आयुष और लक्ष्मी का, हमारे भाई। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो लोग। अंदर वीडियो बनाते जा सकते हैं ना? ये स्कूल, ये देखो क्या कर रही है रे। अरे छोड़ दो छोड़ दो, रख दो रख। आयुष कहाँ, घर चलेगी? क्या है उसे? कपड़ा है कहाँ? पानी लगा दिया है, चल वॉशिंग मशीन में खींचना। आयुष कहाँ, आयुष कहाँ है रे? आयुष, आयुष आ गया। ये रहा दिल खुश, क्या हाल है दिल खुश? ठीक है, चल खुश रह। सब बच्चा लोग देखो यार, हॉस्टल में हम भी रहते थे पहले, बहुत कुछ अलग टाइप से लगता था। ये लोग अभी इतना खुश होगा मत पूछो। अरे अरे बस बस बस, बस। परीक्षा दी, एग्जाम दे दी, तो कपड़ा उपड़ा पैक कर ले। चलो अब गाड़ी ले, गाड़ी नया आ गया पता है, देखिए चलना भी दिखाते हैं। अभी ऐसा हुआ कि सब बच्चा को तो ले जा रहे हैं, बट एक एक लड़के हैं जो हमारे गांव से, हमारे मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो थोड़ा उसका घर दूर है थोड़ा, तो वो भी लड़का क्योंकि यहाँ रहता है तो सब तो एक एक साथ रहता है ना, तो यहाँ पे हो ऐसा जाता है। अब वो रोना चालू कर दिया, तो फिर उसको हम समझाए जो तुमको शादी के रोज ले जाएंगे, टेंशन मत लो अभी। तब भी फिर रो रहा था। बच्चे यार, हम भी हॉस्टल में रहते तो ऐसे ही, यदि मेरा साथी उठी जाने लगता था, घर का कोई भी जाने लगता था तो रोना आ जाता था। बट हम फीलिंग समझ रहे हैं, आप लोग भी कोई कोई जो हॉस्टल में रहा है वो फीलिंग समझ रहा होगा बच्चे लोग का। बट कोई ना, ऐसे होते रहता है। तो इन लोगों को ले चलते हैं, ये लोग शादी अटेंड करने वाले हैं इसलिए ये लोग आज तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये लोग घर जा रहा है ना, इस घर का फीलिंग कुछ अलग ही लेवल का होता है। चलो फिर इन लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं और चलते हैं। गाड़ी बताओ। अच्छा। तुमको आयुष, आयुष गाड़ी कैसा लगा? अच्छा अच्छा है। किसका है पता है? कब लिया? कल। अरे इन लोगों को कुछ नहीं पता, बहुत खुश है। कल जाना ना, छोड़ देते हैं आज, हैं? गाइज ऐसा कुछ यदि बोल दोगे ना, कल जाना आज छोड़ दो, भाई लिटरली इन लोगों का चेहरा उतर जाता है। क्या ज्योतिष, जब घर जाने में बहुत ज्यादा खुशी रहता है। अभी खुश है सब? खुश है तू राकेश? दिल खुश? वो दिल खुश जो है बहुत खचरा है लड़का, वहां जाके खचरपन ही मत करना कोई, ठीक? अच्छे से रहना घर पे। आना कब है ये बताओ, वीडियो में बताओ कब आना है तुम लोगों को, जोर से बोलो। 30 तारीख को। 30 तारीख को आ जाना है ना, पक्का ना? हाँ। मॉल है, यहाँ से पैसा ले ले। अब चलते हैं मॉल, कपड़ा लेते हैं। और पहले ये कहाँ है, हेल्पर कहाँ है? कोई हेल्पर नहीं है क्या? ब्लेजर चाहिए था,
नहीं होगा हाँ। सो गाइस यहाँ ब्लेजर तो नहीं मिलेगा, शादी का नहीं मिलेगा, शादी का ब्लेजर व्हाइट कलर में। ओ शिट यार, यहाँ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दुख के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पे ब्लेजर इस मॉल में अभी अवेलेबल नहीं है, तो अपन लोग किसी और मॉल में अभी चलते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, क्योंकि कपड़ा एकदम बेस्ट चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ डार्क कलर है स्किन हम लोग का, थोड़ा हम लोग सांवले हैं तो डार्क कलर से अच्छा होगा व्हाइट कलर का ब्लेजर। और शूज भी सब कुछ है बट नीचे ऊँचे का सब कुछ कुछ अच्छा टाइप मैचिंग लेना है, क्योंकि शादी एक बार होता है ना भाई। चलो तो अपन लोग अभी चलते हैं दूसरे वाले लोकेशन पे, अभी देखते हैं यहाँ मिलेगा या नहीं। शायद यहाँ पे मिल जाना चाहिए क्योंकि ये भी अच्छा मार्केट है, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगा इस मार्केट का। सो इस दुकान में चलते हैं, ब्लेजर मिलेगा अंकल? ब्लेजर इसके साइड का और क्या रहा है? ये हम अपना काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना? हाँ दिखाइएगा। ठीक है इसके लिए ब्लेजर किसे? सेट सेट दिखाइए। और व्हाइट कलर में होगा? व्हाइट कलर में चमकदार टाइप में तब कैसे होगा? सब नहीं होगा। सो यहाँ पे भी नहीं मिला, जो चॉइस जो मन है ना खरीदने का वो मिल ही नहीं रहा है। वीडियो बना रहा है ऐसे सबको अचंभित लगता है, ये साला कर क्या रहा है? मतलब इधर का ऐसा होता है ना जो वीडियो वीडियो समझता नहीं है, बस आप लोग देख रहे हो समझ रहे हो बट ज़्यादा समझता नहीं है, इस वजह से थोड़ा हमको भी एफर्ट टाइप लगने लगता है वीडियो बनाने में। बट हम अब तो शर्म नहीं आता थोड़ा, समझ रहे? अब चलते हैं किसी और दुकान पे, देखते हैं कहाँ मिलता है यार। बट ठीक है यार, कैसा लग रहा है आप लोग बताओ जरा। सो अब चलते हैं यहाँ से, कपड़ा तो फाइनली ले चुके हैं, देखते हैं अब आगे। और हल्दी के लिए लेना है बच्चा लोग के लिए, तो पहले वो कपड़ा हल्दी का ले लेते हैं। देखो सोचा ऐसा क्या इन लोगों को भी हल्दी का कपड़ा दिला देते हैं, हल्दी का रस्म के लिए। इसको तो ऑलरेडी है, इसके पास शायद हल्दी का नहीं है, वो वाला इसको दिला देते हैं। डी से उतरने में लक्ष्मी को डर हो रहा है, बहुत डर रही है, आँखों सब बंद कर ली है तभी। सो फाइनली हम लोगों ने कपड़ा उपड़ा ले लिया है और अभी अपन चलते हैं, घर चलेंगे। और एक बच्चा के लिए कपड़ा नहीं हुआ है क्योंकि इनके पास कपड़ा ऑलरेडी है। फाइनली अब घर आ चुके हैं, गाड़ी के अंदर लगाते हैं और ये सब।